तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन जाता। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनको हर दिन एक अपॉर्चुनिटी की तरह महसूस होता है। हर दिन उनको एक नया मौका लगता है। अब वो एक दिन आपको भी मिलता है, सबको 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से भुनाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आप अपनी लाइफ में कितना दूर जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्टडीआईएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है July 22, 2019 और डे है मंडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एडुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं यूपीएससी कैटेगरी के लिए डेली करंट अफेयर्स शो कंडक्ट करता हूं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करना ना भूलिएगा। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल एक स्टोरी लाइन पे सवाल था, आपको एक स्टोरी सुनाई गई थी कि फ्लड्स आर नेसेसरी इविल इन दिस पर्टिकुलर पार्क। एक नेशनल पार्क के बारे में एक कहानी सुनाई गई थी कि इस नेशनल पार्क के अंदर वेटलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक मानसून सीजन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पर फ्लड की तरह आती है और एक्वेटिक प्लांट्स हमें भरते हुए नज़र आते हैं, वीड्स आ जाते हैं जो कि पूरे इकोसिस्टम को चोक आउट कर देते हैं। जो मैन मेड हाईलैंड्स हैं इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर, दे हैव टर्न इनटू आइलैंड ऑफ रिलेटिव सेफ्टी फॉर द पार्क्स एनिमल्स, क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं तो वो यहाँ पर हाईलैंड्स की तरफ चढ़ जाते हैं। आपको बताना था कि किस नेशनल पार्क के बारे में ये विवरण है, और सही जवाब है इसका सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं TRQ, टैरिफ रेट कोटास। टैरिफ रेट कोटास के बारे में तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो टैरिफ रेट कोटा है वो एक मैकेनिज्म है दैट अलाउज अ सेट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू बी इम्पोर्टेड एट अ लो और जीरो रेट ऑफ ड्यूटी। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की क्वांटिटी जिनको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत कम ड्यूटी पे या जीरो ड्यूटी रेट पे। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो टैरिफ रेट कोटा है, इट कैन वर्क एज अ डील मेकर्स इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। जो ग्लोबल ट्रेड टॉक्स होती हैं उसके अंदर ये डील मेकर के रूप में काम करते हैं, और जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो TRQs हैं, दे प्रोटेक्ट फॉरेन प्रोड्यूसर्स फ्रॉम हैविंग टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कल आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप लोग नीचे आंसर लिख के दोगे। ऑप्शंस हैं आपके लिए A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, या D all of the above। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर मिलती है, गवर्नमेंट टू रोल आउट बिग पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों के सामने इकोनॉमिक सर्वे आया, हमारे सामने बजट आया, और सब जगहों पर हम लोगों ने जिस चीज़ के बारे में बात करी वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर हमारी देश को $5 trillion इकोनॉमी बनना है बाय 2024, तो हम लोगों को हर हालत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका यहाँ पर एक सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है। एक एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यहाँ पर इस साल के एंड में हम लोगों को ऑर्गेनाइज होती हुई नज़र आएगी, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन इस एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एंकर करेगी वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर आए। वे स्पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years इज प्रोजेक्टेड एट 100 crore rupees। गवर्नमेंट की भी यहाँ पर सोच यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को पुश होता हुआ नज़र आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ यहाँ पर पैसे डालें, और जो अब्रॉड जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सके। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार के यहाँ पर सोर्सेज ने रिवील करी, क्योंकि जो फर्स्ट 50 डेज हैं ऑफ इट्स सेकेंड टर्म उन्होंने यही पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर फैसला किया। जो पहला डिसीजन था कैबिनेट का, मैं आपको याद दिला दूं, वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉलरशिप स्कीम थी अंडर द नेशनल डिफेंस फंड, उसके अंदर जो पैसे गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड को मिलते थे उनको यहाँ पर बढ़ा दिया था, और उसके अंदर यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस के जो डिसीज्ड पर्सन थे जो कि यहाँ पर शहीद हो गए थे,
जो नक्सलाइट्स के अंदर जो हमारे जवान इन्वॉल्व थे, उनके जो यहाँ पर डिपेंडेंट्स थे, उनको भी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देने का फैसला यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कुछ और भी बड़े बड़े प्रोमिसेज हम लोगों को बीजेपी के मैनिफेस्टो में नज़र आए। पोल से पहले जैसे उन्होंने बोला था कि पाइप्ड वाटर की सप्लाई वो सबके घरों पर लेकर जाएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जल शक्ति अभियान भी लॉन्च किया, ओके, और जल शक्ति मिनिस्ट्री को हम लोगों ने सेटअप किया, जिसका मेन टारगेट यहाँ पर यही रखा गया है कि 2024 तक 2024 तक सबके घरों में हमें पाइप्ड वाटर आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उज्ज्वला की लाइन पे हम लोग चीज़ें चल रही थी। उज्ज्वला ने सबके घरों में जो है हम लोगों ने कुकिंग गैस का प्रावधान यहाँ पर प्रोवाइड किया। इसी तरीके से जो जल शक्ति अभियान है वो यहाँ पर एम करता है वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी। अभी हम लोगों ने पीछे जो आर्टिकल हम लोग रीड आउट कर रहे थे, वहाँ पे हमारे सामने एक बड़े चीज़ का नाम आया था जिसको आप लोग NIIF के नाम से जानते हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब ये NIIF है क्या? बेसिकली 2015 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर इसको एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में हम लोगों ने बनाया था, खासकर इसका इस्तेमाल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किया जाना था। अब इसका इस्तेमाल ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जो यहाँ पे रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उन सबके अंदर धीरे धीरे किया गया। पर यहाँ पर जो 40,000 करोड़ रुपीज़ का ये हमें कॉर्पस, ये जो फंड बनाना था, इसको हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था कि यहाँ पर जो 50% जो फंड होगा वो तो भारत सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और जो 50% फंड होगा वो हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स से यहाँ पर रेज आउट करेंगे। NIIF का जो मैंडेट है उसके अंदर ये है कि वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उन सेक्टर में, जैसे कि हमारा एनर्जी सेक्टर आता है, जैसे हमारा हाउसिंग आता है, वाटर आता है, रेलवेज आते हैं, ओके, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। NIIF करेंटली 3 इंपॉर्टेंट फंड्स मैनेज करती है विद इट्स डिस्टिंक्टिंग इन्वेस्टमेंट मैंडेट, जो कि आप लोग AIF के नाम से जानते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ओके, जो सेबी के पास है, उनके अंदर यहाँ पर ये जो NIIF है ये वर्क करता है। इसके अंदर 3 यहाँ पर मैंने आपको फंड बताएं, दीज आर मास्टर फंड, एक होता है यहाँ पर मास्टर फंड जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी हम लोग कहते हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे एयरपोर्ट्स, रोड्स, पावर, इनके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। फिर यहाँ पर एक और है जिसको फंड ऑफ फंड कहते हैं, एंकर फंड के नाम से इसे जानते हैं, जहाँ पर अच्छा ट्रैक होता है किसी प्रोजेक्ट का वहाँ पर होती है। और एक होता है हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, ओके, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड है, इट इज रजिस्टर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू अंडर द सेबी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे आपको एक बहुत स्पेसिफिक खबर मिलती है कि हमारे देश की यहाँ पर ओनली इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर बन गई हैं प्रशांति सिंह जी, उन्होंने जीता है यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रियली कंग्रेचुलेशन टू हर। तो प्रशांति सिंह 35 ईयर्स ओल्ड, और 1997 से 2016 के बीच में इनका करियर रहा। इन्होंने यहाँ पर 2 एशियन गेम्स खेले हैं, 7 एशियन चैम्पियनशिप, 1 कॉमनवेल्थ गेम, एशियन इंडोर गेम, एशियन बीच गेम्स इन्होंने खेले हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पहले इन्हें अर्जुना अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मैच विनर रही हैं ये खासकर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है कि प्रशांति सिंह हमारे देश की इकलौती इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पेज नंबर 7 खबर मिलती है, गिव प्रेफरेंस टू लोकल कंपनीज से सेंटर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप इस चीज़ की इंश्योरिटी रखो कि आप जो भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो उन सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इंडियन कंपनीज को हम लोग यहाँ पर बेहतरीन प्रेफरेंस दें और उनको पीछे ना छोड़ें। एक मेमोरेंडम यहाँ पर सेंड किया गया है, ओके, May 22 के ये सेंड किया गया था सारी की सारी स्टेट को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। उन्होंने बोला है कि दी हार्श एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, दैट शुड नॉट बी यूज टू लीव आउट दी लोकल कंपनीज। इट मे बी एंश्योर दैट कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो पीछे ना छूट जाएं ऑन अकाउंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है जिसका अब नाम बदल किया गया है, 2017 में उसका नाम यही था, ओके, उसने यहाँ पर इश्यू किया कुछ ऑर्डर्स टू अप्लाई फ्रेश गाइडलाइंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट। जो मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर यह डायरेक्शन दी है कि जितने भी इंडिजीनियराइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारी मेट्रो हैं, मोनो या मल्टी मोडल कॉरिडोर्स हैं,
वो यहाँ पर जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी जो यहाँ पर इंडिजीनियस कंपनियाँ हैं, जो लोकल कंपनियाँ हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाए। 2017 में ये ऑर्डर हमारे सामने आया था दैट ओनली लोकल सप्लायर बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, कि जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको ही एलिजिबल माना जाएगा गुड्स के प्रोक्योरमेंट, सर्विसेज, वर्क कंडीशन के लिए, जो कि यहाँ पर 50 लाख रुपये से कम के यहाँ पर चीज़ें होंगी। अब जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है वहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी कि जो पुराने वाले जो क्राइटेरिया है उनको अप्लाई किया जाए, और आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे हमारी लोकल कंपनीज़ को ही हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस दें। जो सोर्सेज है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है दैट द मिनिस्ट्री इज अवेयर ऑफ द कंप्लेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स, और जो सप्लायर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो जॉइंट वेंचर के जो यहाँ पर प्रेफरेंस अवार्ड किए जा रहे हैं, जो यहाँ पर वर्क प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जा रहे हैं, वो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो इस वजह से जो लोकल फर्म्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हैं, और उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिक्वेस्ट डाली थी। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है मून मिशन टू ट्रायल लैंडिंग ऑन सितंबर 7। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज है जुलाई 22, और आज हम लोगों को हमारा C2 चंद्रयान 2 लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। देखो ऑल दो जो हमारा चंद्रयान 2 था वो लॉन्च हो जाना चाहिए था 15 जुलाई को, बट 15 जुलाई को हमें चंद्रयान 2 डिले होता हुआ नजर आया। वो सिर्फ डिले हुआ था, डिले का कारण यहाँ पर यह देखा गया कि 56 मिनट्स पहले यहाँ पर साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि कुछ टेक्निकल ग्लिंचेस हैं, और जो टेक्निकल जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर अपर स्टेज के अंदर आ रही थी। बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं GSLV Mark III के अंदर, जो कि यहाँ पर थर्ड स्टेज के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमें आती हुई नजर आई। जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एज ऑक्सीडाइजर, यहाँ पर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं एज द फ्यूल, और इसके साथ साथ हम लोग हीलियम को भी फिल आउट करते हैं। सबसे पहले लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग भरते हैं, बाद में यहाँ पर हीलियम को यहाँ पर भरा जाता है। प्रोसीजर ये है कि जो हीलियम बॉटल का जो प्रेशर होगा वो 350 bars, उसको रेगुलेट किया जाएगा टू द आउटपुट ऑफ 50 bars। जब यहाँ पर हीलियम को हम लोगों ने फिल आउट किया तो हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो प्रेशर है वो हमें ड्रॉप होता हुआ नजर आया, तो प्रेशर यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाया, और यहाँ पर टीम इस चीज़ में लग गई कि यहाँ पर लीक किस पर्टिकुलर पोर्शन से हो रहा है। यहाँ पर मल्टीपल लीक्स भी होने के चांसेस थे, तो यहाँ पर कोई हम लोग चांस नहीं लेना चाहते थे। ये एक बड़ा फैसला था जिस वजह से 15 जुलाई को हम लोगों को हमारा जो चंद्रयान है वो हमें पोस्टपोन्ड, वो हमें डिले होता हुआ नजर आया, बट आज फाइनली वो दिन है जिस दिन हमारा चंद्रयान लॉन्च होगा। चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 हम लोग GSLV Mark III की मदद से यहाँ पर लॉन्च करेंगे। इंडिया पहला देश बनेगा यहाँ पर मून के साउथ पोल के ऊपर उतरने वाला, और चौथा देश बनेगा जो कि अपना स्पेसक्राफ्ट उठा देगा मून के सरफेस के ऊपर। अभी तक जितने भी यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट हैं वो इक्वेटर के अराउंड ही उतरे हैं। यहाँ पर हम लोग इस यहाँ पर एक ऑर्बिटर भेजेंगे, लैंडर भेज रहे हैं जिसका नाम है विक्रम, रोवर भेज रहे हैं जिसका नाम है प्रज्ञान। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मून मिशन है वो ट्राई करेगा कि वो सितंबर 7 को ही लैंड करे। ऑल दो हम लोग एक हफ्ता डिले हो गए हैं अपनी लॉन्चिंग डेट से, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सितंबर 7 को हम लोग पहुंच सकें। यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे अर्थ और मून बाउंड जो फेजेस हैं, जो अर्थ के जो यहाँ पर चक्कर लगाकर जो मून के यहाँ पर एंटर करेगा मून की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर, और मून के भी यहाँ पर चक्कर लगाकर उसके बाद लैंड करेगा। तो ये जो चक्कर हैं, ये जो यहाँ पर फेजेस हैं, इनको हम लोग थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनके अंदर यहाँ पर हम लोग थोड़े लैग छोड़ते हैं। ओके, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो कि यहाँ पर इसरो फेस कर रही थी जब उसको अबॉर्ट करना पड़ा अपने इस पर्टिकुलर मिशन को, कि हम लोगों को उस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग लैंड कैसे करें। तो यहाँ पर जो अर्थ बाउंड और जो लूनर बाउंड फेजेस हैं उनके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम लोग सेम डे यहाँ पर पहुँच सकें। तो लॉन्च यहाँ पर अब शेड्यूल्ड है 2:43 PM को। ओके, जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है, कल 6:43 PM से यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ओल्ड शेड्यूल के अंदर यहाँ पर जो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है इट वाज सपोज टू हैपन ऑन 22nd day, और अब वो यहाँ पर day 30 को होगा। लूनर बाउंड फेस है विच अंडर द प्रीवियस लॉन्च शेड्यूल टू हैव टेकन 28 days, अब वो यहाँ पर उसको 13 days पे यहाँ पर श्रिंक आउट कर दिया गया है। तो लैंडर ऑर्बिटर सेपरेशन है इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन day 43, वाइल द डी बूस्टिंग विल बी इनिशिएटेड ऑन day 44 विद द पावर डिसेंट ऑफ द लैंडर एंड रोवर ऑन day 48 टू द लूनर सरफेस।
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10, एक एडिटोरियल आपको सेक्शन आज मिलता है। बात हो रही है यहाँ पे अनवेलकम अमेंडमेंट्स के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 हमारे सामने आया, जिसके लाने का यहाँ पर सरकार का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो CIC है और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको जो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल पैरिटी टेन्योर सैलरी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उस प्रोटेक्शन को थोड़ा सा कम करना। इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए माइंड मैप्स बनाया है। देखो माइंड मैप में ये है कि ये कोई जो अमेंडमेंट है ये पहला अमेंडमेंट नहीं है। इस अमेंडमेंट को पहली बार 2006 के अंदर प्रपोज किया गया था, तो ऐसे नहीं कि पहली बार ये चीज़ हो रही है, बहुत पुरानी ये चीज़ चल रही है। और यहाँ पर जब 6 months आफ्टर द लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड, जब 6 महीने जब हुए ही थे इस लॉ को 2005 में आए हुए, उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट लाना चालू कर दिया था। पर इसके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे लोग सड़क पे उतर आए थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ लोग इसके खिलाफ अपील भी कर रहे थे, इसलिए इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। जो अमेंडमेंट है वो मांग हो रही है सेक्शन 13, सेक्शन 16 और सेक्शन 27 ऑफ द RTI एक्ट के अंदर, जो कि लिंक करते हैं, इक्वेट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के स्टेटस को विद द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स विद द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट, सो दैट दे कैन फंक्शन इन एन इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया था, जिससे यहाँ पर सब चीज़ें एक इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव मैनर में वर्क करें। अगर आप इलेक्शन कमीशन की भी देखोगे तो उनको भी वो चीज़ें मिलती हैं जो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलती हैं। जो टेन्योर है वो यहाँ पर 565 का है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, 5 साल का टेन्योर है और जो एज है, एज की जो अपर लिमिट है वो 65 ईयर्स बनाई जा रही है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो डेलिब्रेट डिसमेंटल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को, वो असलियत में फ़ायदा किसको पहुँचाएगा। वो यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलेटरली खुद की मर्जी से यहाँ पर टेन्योर सैलरी अलायंसेस और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, उनको यहाँ पर डिसाइड कर सके। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैस्ची और डिटर्मिनेशन यहाँ पर क्यों हमें दिखाई दे रही है इस लॉ को अमेंड करने में, बिकॉज RTI ने हमेशा ही हेल्प करी है जनता की कि वो क्रॉस वेरीफाई कर सके उन एफिडेविट्स को ऑफ पावरफुल इलेक्टोरल कैंडिडेट्स विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई कर सकें। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल हम लोग रिसेंट दिनों में भी देख सकते हैं, जैसे राफेल का मुद्दा उठा। इट इज़ अनलाइकली टू बी सेट ऑफ इंस्टेंसेस, बट मोर द फैक्ट कि जो RTI है वो हमेशा ही यहाँ पर चैलेंज बना रहा है टू द मिसयूज ऑफ द पावर, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जनता के हाथ में कैसा अधिकार बन के आया है कि उसकी मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। RTI को जनता ने ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया है, हर जगह पर इस्तेमाल किया है, मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस रेज आउट किए हैं, चाहे वो राशन शॉप के हों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ हों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ हों, डीमोनेटाइजेशन के अंदर हों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर हों, राफेल फाइटर जेट के लिए हों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए हों, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स के लिए हों, या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए हों, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए हों, या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के नॉन अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोगों ने RTI का इस्तेमाल किया है। जो इन्फॉर्मेशन होती है इस पर्टिकुलर डिसीजन की वो हाईएस्ट लेवल पे आती है, एंड दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अमेंड। गवर्नमेंट इन्हीं सब चीज़ों को अमेंड करने की कोशिश कर रही है। इवन अगर हम लोग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बात करें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी छोटा पड़ जाता है जब उसके सामने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला कि अगर एक जगह RTI एक्ट और एक जगह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंस में कोई बात है तो RTI यहाँ पर प्रिवेल करेगा। RTI मूवमेंट ने हमेशा ही स्ट्रगल किया है इन्फॉर्मेशन को असेस करने के लिए, थ्रू इट कैन शेयर द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक पावर। तो यहाँ पर ये एक ओपेक मूव है क्या? तो जो टास्क है इन्फॉर्मेशन कमीशन का, इट इज़ देयर फॉर नो लेस देन इलेक्शन कमीशन। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो हमारी CIC है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर हम लोगों को इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि CIC का जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल भी कम नहीं है इलेक्शन कमीशन से। उस बॉडी को इतनी इंपॉर्टेंट होने के लिए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है टू सेटअप द रेगुलेट एंड मॉनिटर द गवर्नमेंट, जिससे वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी यहाँ पर कई हद तक कार्रवाई कर सके। और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें गारंटी मिली हुई है आर्टिकल 19 के अंदर, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है, तभी तो हम लोग यहाँ पर अपनी यहाँ पर एक्सप्रेशन ले पाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, विच अंडरस्कोर्स दिस इंडिपेंडेंस, इज वाइटल टू आर डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस।
जो पावर है इट इज सेंट्रलाइज्ड एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रेटन्स नो मैटर व्हाट द कॉन्टेक्स्ट एंड डेमोक्रेसी इज डेफिनेटली इन पेरिल। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 13 के अलावा जो कि डील करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सीआईसी से, यहां पर अमेंड किया जा रहा है सेक्शन 16 को। तो जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे रूल्स टर्म्स और कंडीशंस जो हैं अपॉइंटमेंट की, जो स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सके। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है हमारे फेडरलिज्म के आइडिया के खिलाफ। जितने भी प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट वर केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और लॉ को यहाँ पर पास किया गया यूनानिमसली। इट हैज़ बीन एक्नॉलेज दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सीबीसी हो, सीईसी हो, लोकपाल हो, सीआईसी हो, वो ये है कि उन्हें एक बेसिक गारंटी मिले टेन्योर की। इसीलिए जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको 5 साल और जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स रखी गई है। इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। उसके बाद यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो सीआईसी है, उनको इलेक्शन कमीशन के एट पार रखा गया और यहाँ पर सरकार उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल भी यही सेम चीज़ हुई थी पर बिल यहाँ पे लैप्स हो गया था और जनता उस समय भी खिलाफ थी और जनता आज भी खिलाफ है। मूविंग ऑन पेज नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक और हमें एडिटोरियल देखने को मिलता है इग्नोरिंग दी प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ा जजमेंट सुनाया और जो सेक्शन 376E है इंडियन पीनल कोड का, उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया था। ये बोला गया कि अगर कोई बार बार एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस करता है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ओके, यहाँ पर जो सेक्शन था इट हैड बीन चैलेंज्ड बाय 3 of the accused जो कि शक्ति मिल रेप केस के अक्यूज थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो 376 है, 376E है, इट इज़ अमंग अ स्लू ऑफ रीसेंट लॉ जिनकी यहाँ पर जो स्कोप है डेथ पेनल्टी की वो यहाँ पर डील कर रही है और वो इसके खिलाफ थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है डेथ पेनल्टी यहाँ पर इन द केस ऑफ होमिसाइड या जो यहाँ पर हीनियस क्राइम्स के रेप केसेस होते हैं या कोई और हीनियस केसेस होते हैं। ओके, उनसे यहाँ पर डील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हैड बीन चैलेंज्ड ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स, बहुत बार इसकी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया और यहाँ पे जो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे पनिशमेंट की उसके खिलाफ इसको यहाँ पे बार बार चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट की रीजनिंग ने यहाँ पर अपहेल्ड किया कि जो लॉ है इट इज़ हाउएवर ओपन टू द क्रिटिसिज्म बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमें अप्लाई करना है। ओके, दैट कोर्ट मस्ट अप्लाई व्हेन टेस्टिंग लॉज ऑन द कोर्ट टचस्टोन इज आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 21 मतलब राइट टू लाइफ, जो कि यहाँ पर बात करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। इस कंटेक्स्ट में जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं या सेंटेंसिंग है या प्रोपोर्शनैलिटी है वो पूछता है यहाँ पर कि क्या जो पर्टिकुलर पनिशमेंट है वो स्ट्राइक करती है एक एडिक्वेट बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटी ऑफ क्राइम, क्या इसमें यहाँ पर विक्टिम का इंटरेस्ट था, सोसाइटी का इंटरेस्ट है या यहाँ पर कोई पर्पज़ है इस क्रिमिनल लॉ का। फर्दर जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का वो बात करता है फॉर स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ लॉज दैट आर एक्सेसिवली हार्श एंड डिसप्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है क्या। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में यहाँ पर 4 चीज़ों को देखा जाता है। पहली चीज़ ये है कि देयर मस्ट बी अ लेजिटिमेट स्टेट एम बीइंग परस्यूड बाय द प्रोविजन। तो जो भी प्रोविजन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सजा है, वो यहाँ पर हमारे देश की जो लेजिटिमेट स्टेट है उसका मेन क्या प्रोविजन है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। दूसरा है देयर नीड्स टू बी अ रैशनल नेक्सेस बिटवीन इम्पंक्ड प्रोविजन एंड दी एम। जो प्रोविजन है और जो यहाँ पर एम है, जो मकसद है, उनके बीच में एक रैशनल नेक्सस, एक रिलेशन होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पर कि जो मेजर है उसको हमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड के रूप में मानना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग अपने एम को अचीव कर सकें। और फोर्थ है देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द एक्सटेंट टू विच राइट्स आर इन्फ्रिंजेंट एंड पब्लिक बेनिफिट टू द अटेनमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। जो तीसरा यहाँ पे है जो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव मेथड है अपने एम को अचीव करने का जो कि यहाँ पे लोगों के राइट को भी इन्फ्रिंज नहीं करता। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक बड़ा एग्जांपल लूँ तो जो हीनियस क्राइम्स होते हैं मान लो उनमें डेथ का यहाँ पर प्रावधान है, फांसी का प्रावधान है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का है, तो हम लोग ये देखेंगे थर्ड वाले मेसर में कि यहाँ पर हमारे पास क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है उस व्यक्ति को सुधारने का, क्योंकि मेन एम क्या है कि वो व्यक्ति फिर से ऐसा क्राइम ना करे। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर चीज़ें टेस्ट की जाती हैं।
पेज नंबर 11 खबर मिलती है एन इनवेसिव एंड इनएफिशिएंट टूल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है, जिसको भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर हमारे सामने रखा हमारी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बताया गया कि जो AFRS है वो यहां पर इमेजेस का इस्तेमाल करेगा, जो CCTV न्यूज़पेपर्स या बाकी सारे यहां पर क्रिमिनल्स की फुटेजेस से आएंगी। जो रिकॉर्ड्स हैं इनका यहाँ पर डेटाबेस हमारे एक CCTNS के अंदर है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के अंदर है। जो होम मिनिस्ट्री है उसने ये भी अभी क्लैरिफाई किया कि ये सब चीज़ें आपके प्रिवेसी को वायलेट नहीं करेंगी। बट एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दैट AFRS विल नॉट ओनली क्रिएट अ बायोमेट्रिक मैप ऑफ आर फेस, बट यहाँ पर ट्रैक करेंगी, क्लासीफाई करेंगी। देखो जो लोग यहाँ पर CCTV में आएंगे, कहीं ना कहीं उन हर पर्सन को यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिमिनल की नज़र से देखा जाएगा, ओके, फिर उनको मैप किया जाएगा, और अगर ऐसा कि हाँ ये व्यक्ति वो काम कर रहा है तो उसको पकड़ा भी जाएगा। सो इट इज अज्यूम्ड कि यहां पर जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो यहां पर इट विल इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी और स्पीडी एनफोर्समेंट हो सकेगा लॉ और ऑर्डर का। बट अगर इसे यहां पर जनता के हिसाब से देखें तो जनता का मेन यहां पर कंसर्न है कि डेटा प्रोटेक्शन अभी तक हमारे देश में नहीं है। ऑल्दो हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 लेकर तो आए थे, बट वो अभी तक यहां पर इन्फोर्स नहीं आ पाया है। अगस्त 2018 के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया था और रिपोर्ट किया कि उसकी एक्यूरेसी सिर्फ सिर्फ 2% है। दिस इज अ ट्रेंड वर्ल्ड वाइड विद सिमिलर लेवल ऑफ एक्यूरेसी रिपोर्टेड इन UK एंड US। तो हम लोग यहां पर मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे अचीव कर पाएंगे, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। पेज नंबर 13 खबर मिलती है सेंटर्स जम्मू एंड कश्मीर प्लेबुक गोज डाउन टू द ग्रास रूट। तो यहां पर जो ऑनगोइंग पार्लियामेंट्री सेशन है उसने यहां पर जो प्रेजिडेंट्स रूल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसे 6 महीने से और एक्सटेंड कर दिया। सेंटर यहां पर कोशिश कर रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो यहाँ पर कश्मीर के अंदर बेटर कर सकें, जिससे यहाँ पर करप्शन कम हो। इसके लिए कुछ स्टेप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाए हैं, जैसे यहाँ पर जो डिलीवरी है बेसिक सर्विसेज की उसे रूल बेस्ड मैनर में करने की कोशिश की जाएगी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ लोकल लीडर्स, कोई लोकल लीडर्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेकेंड, यहाँ पर जो वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की उनको रिमूव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो क्लास 4 कैटेगरी के अंदर उसको हटाने की बात की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर एक एंटी करप्शन ब्यूरो खोला जाएगा और 6 नए पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे उसके अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फंड्स हैं उनको ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को, इफ़ नॉट क्रिएटिंग कम्प्लीटली न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप, कम से कम जो ग्राउंड रूट लेवल है वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हो सके। बजट एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम आएगा फॉर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, और एक्सपेंडिचर एलोकेशन जो होगा इट विल बी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स सफर फ्रॉम स्क्यू। तो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स हमारे सामने आया था जो मैंने आपके साथ कवर किया था। इसने यहाँ पे बताया था कि केरला ने टॉप किया है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ने टॉप किया है। बेस्ट इंक्रीमेंटल जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र और असम के अंदर देखने को मिले हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की रही है। दिल्ली के अंदर हमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला UTs के अंदर। मिजोरम और मणिपुर आदि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन स्मॉलर वन। और यहाँ पर जो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है वो 23 पैरामीटर्स पर रैंक करता है, जिसमें की पैरामीटर्स मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो, टोटल फर्टिलिटी रेट होते हैं। और जो डेटा जिसको एनालाइज किया गया वो 2016 से 2018 के बीच में परफॉर्मेंस पे किया गया था। ग्राफ यहाँ पर शो करता है द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फाइनल इंडेक्स स्कोर्स ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ने कितना यहाँ पर स्कोर किया, बाकी सारी स्टेट्स ने क्या यहाँ पर स्कोर किया। अब जो एनालिसिस यहाँ पर किया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, जिसको बोलते हैं हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया यहाँ पर रिपोर्ट, देखा गया है कि कैलकुलेशन मेथड में थोड़ी सी यहाँ पर डिस्पैरिटी है। हमारे पास और जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से इसकी जो रिपोर्ट है वो फिट नहीं बैठ रही है। तो रिपोर्ट हैड यूज्ड एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बर्थ्स और डिलीवरीज जिनको यहाँ पर कैलकुलेट किया गया 2 हेल्थ आउटकम्स पे, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज और यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे, जो कैरी करते हैं हाई वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल इंडेक्स स्कोर, और ये एक एस्टिमेटेड नंबर्स थे। तो एस्टिमेटेड नंबर्स का इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, इस वजह से हमें थोड़ी सी जो रिपोर्ट है उसमें लैग नजर आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो कि यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही है और जो यहाँ पर हमारे सामने HMIS के डेटाबेस ने सामने रखा था। तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।